फेज डिफरेंस ये होता है दैट इज डेल्टा पाई दैट इज पाई वन माइनस पाई टू। आपको याद है मैं शायद था नहीं यहां पर, तो देवेंद्र सर ने लेक्चर लिया था ना, वेव वगैरह पढ़ाया था उसमें, ठीक है, वेव वगैरह पढ़ाया था ना, याद है मार्च वगैरह में, मार्च अप्रैल में वेव वगैरह पढ़ाया था शायद, तो वहीं पे ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारा प्रीवियस मतलब वेव चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, दैट इज पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अच्छा दोनों में रिलेशन क्या होता है, फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, मतलब फॉर्मूला होता है इनका, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ, लैम्डा मतलब वेवलेंथ इंटू पाथ डिफरेंस। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, हमारा वेव के चैप्टर से आया है, वेव मोशन जो चैप्टर होता है ना वहां से आया है, आपको याद होगा देवेंद्र सर ने पढ़ाया था, तो बाद में उसको थोड़ा सा रिवाइज किया था बस, ठीक है, थोड़ी छोटी बातें रिवाइज की थी, दैट वन। तो इसको कॉपी कर लो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इंटरफेरेंस क्या होता है, जस्ट कॉपी ऑन दिस वन। ये दो लाइट सोर्स हैं, दोनों यहां पे आके मीट करते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारा सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, डेल्टा पाई क्यू पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, अच्छा ध्यान रखना ये वेव चैप्टर का है और काफी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रॉब्लम्स। Can I proceed, boys and girls? Hello? Start करें क्या? Hello? Boys and girls, can I proceed? अच्छा ठीक है। Now, अब देखो interference दो तरह के होते हैं। एक होता है two types of interference. नंबर वन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नंबर टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले मैं आपको कंस्ट्रक्टिव बताता हूं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लो कि दो सोर्स हैं, फर्स्ट केस लेते हैं, एक सोर्स S1 है और एक S2 है, और यहां पे कोई पॉइंट B है, दोनों से वेव स्टार्ट होती है, लेट्स से 1 2, दो वेव बने 2λ, इधर से भी स्टार्ट होती 1 2 2λ, तो इसको हम x1 ले लेंगे, इसको x2 ले लेंगे, तो जो पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, 2λ - 2λ दैट इज इक्वल टू जीरो,
तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा 2π/λ/Δx, क्योंकि ये भी जीरो है तो दिस विल ऑल्सो बिकम जीरो. तो फेज डिफरेंस तो जीरो आ रहा है, ठीक है. यहां पे जो हमको मिलेगा दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है. दोनों के बिटवीन फेज डिफरेंस जीरो आ रहा है. देखो सपोज कर लो इसकी इक्वेशन वाई वन है और इसकी इक्वेशन वाई टू है, तो y क्या हो जाएगा बेटा, वाई वन प्लस वाई टू. तो वाई वन प्लस वाई टू करेंगे तो वाई वन क्या हो जाएगा, लेट से ए वन साइन ओमेगा टी, दूसरा वाला क्या होगा ए टू साइन ओमेगा टी. ए वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो बेटा, साइन ओमेगा टी ये हो गया इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी. तो आपने नोट किया कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ए वन प्लस ए टू कंस्ट्रक्टिव बन रहा है. और आपने ये भी नोट किया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इट इज प्रोपोर्शनल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर. और अगर ए वन ए टू इक्वल ले लो, ए वन ए टू अगर इक्वल ले लो तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू वॉट, ए प्लस ए होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू फोर ए स्क्वायर. तो ये मैक्सिमम हो जाती है, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है. तो इंटेंसिटी इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, ध्यान रखना. तो आप ऐसे ले सकते ए वन प्लस ए टू मतलब फोर ए स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम हो जाती है. All things are maximum here. You are getting constructive. तो हमें समझ में आया कि अगर उनके बिटवीन पाथ का डिफरेंस, ये भी 2 लैम्डा बटा ट्रेवल करके आता है, ये भी 2 लैम्डा ट्रेवल करके आता है, तो दोनों के पाथ में जो डिफरेंस है वो जीरो आ रहा है, तो फेज डिफरेंस भी जीरो आ रहा है. तो दोनों साइन साइन ऐड हो जाते हैं और एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाता है और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाता है. आर यू गेटिंग? अच्छा चलो दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल. देखो पहले एग्जाम्पल समझो, पहले मेरे क्या समझा, ध्यान से समझना. सेकंड केस लेते हैं. चलो आप कहेंगे सर अगर जीरो नहीं बनाएगा कोई और एंगल बनाएगा तब क्या होगा, ठीक है दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल. लेट्स से सोर्स एस वन एंड सोर्स एस टू और पॉइंट पी सपोज कर लो इधर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है. अच्छा ये इधर आता है लेट्स से वन टू थ्री, थ्री लैम्डा. ये भी आता है वन टू थ्री फोर, फोर लैम्डा. अब बेटा इनके में डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज फोर लैम्डा माइनस थ्री लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा. और फेज डिफरेंस कितना होगा, उसका फॉर्मूला क्या था, टू पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स. तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे डेल्टा एक्स की, इट बिकम 2 pi by lambda into lambda, तो lambda lambda will get cancel, तो lambda lambda cancel हो जाएगा, तो it become that is 2 pi only. फिर से हम लोग करते हैं, चलो फिर से हम सब जाने की कोशिश करते हैं. अच्छा फिर से आप ऐड करो, ये y1 है और ये y2 है, आपको ऐड करना है दोनों पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. तो y is equal to y1 plus y2, आपने कहा चलो फिर ऐड कर लेते हैं सर. तो y is equal to a1 sin ओमेगा टी और दूसरा वाला आया ए टू साइन ओमेगा टी प्लस टू पाई, क्योंकि टू पाई का डिफरेंस आ गया यहाँ पर, टू पाई आ रहा है कि नहीं. इधर साइन टू पाई प्लस ओमेगा टी कितना होगा, कितना होता है बेटा साइन 360 प्लस थीटा कितना होता है, अगेन साइन थीटा ना, वही आ जाता है, मालूम है कि नहीं. हाँ तो यही आ जाएगा, फिर से वही आ गया, फिर से दोनों ऐड हो गए प्लस ए टू साइन ओमेगा टी, फिर से कॉमन ले लो. तो आप बोलेंगे ए वन प्लस ए टू साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे तो फिर से सर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ठीक है. तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो गया, दैट इज ए वन प्लस ए टू,
और जो इंटेंसिटी है वो भी मैक्सिमम हो जा रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए आर स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर। अगर ए वन ए टू इक्वल ले लो तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज फोर ए स्क्वायर। आप कहेंगे सर यहां भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है इधर भी कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम हो जा रहा है, दोनों एम्पलीट्यूड ऐड होना मतलब कंस्ट्रक्टिव, ऐड होना मतलब कंस्ट्रक्टिव, तो सर डिस्ट्रक्टिव कब आएगा? तो देखो जीरो टू पाई, तो देखो अब स्टूडेंट को आइडिया लग जाता है कि ऐड कब होता है। जीरो के बाद देखो जीरो यहां पर जीरो आया था, जीरो के बाद पार्ट डिफरेंस यहां पर डायरेक्टली क्या आया, लैम्डा आया, और फेज डिफरेंस जीरो था लेकिन डायरेक्टली जंप करके वो टू पाई पे आया सेकंड केस पे। इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए जरूरी है, कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास कंडीशन मिल गई। क्या कंडीशन मिली? जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास कंडीशन मिल गई कि सर अगर दो वेव मीट करती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड एड होंगे व्हेन, जब उनके बिटवीन पार्ट डिफरेंस जीरो होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट लैम्डा आ रहा है, देखो लैम्डा आ रहा है ना इसमें, देखो जैसे ये कमिंग लैम्डा ये लैम्डा, लैम्डा के बाद नेक्स्ट कितना आना चाहिए, फिर टू लैम्डा देन थ्री लैम्डा देन फोर लैम्डा लाइक दिस वे एंड सो ऑन। और फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है तुम्हारा पहले में जीरो आया था दूसरे में टू पाया है, तो नेक्स्ट क्या आएगा फिर? अगर पहले में जीरो आया दूसरे में टू पाया है तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 4 पाए देन 6 पाए देन 8 पाए, इस तरह से आएगा। तो अगर जनरलाइज करेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा n लैम्डा, n इज 1 2 3 4 लाइक दिस वे, और इसको बोलेंगे 2n लैम्डा, अगेन n इज 1 2 3 4 लाइक दिस, नहीं 0 से लेंगे, सॉरी 0 से लेंगे, या मेक इट फ्रॉम 0, n की वैल्यू 0 से लेंगे, 0 1 2 3 4 लाइक दिस पे, 0 1 2 3 4 लाइक दिस पे। कंस्ट्रक्टिव समझ में आया? हैव यू गॉट एन आईडिया कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? जब दो वेव मीट करती हैं उनके बिटवीन पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 0 के बाद लैम्डा, लैम्डा के बाद 2 लैम्डा देन 3 4 5 6 ऐसा होना चाहिए। फिर अब बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव में चलो आगे फिर रुको जरा डिस्ट्रक्टिव हम जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब बेटा कैंसिल हो जाना, डिस्ट्रक्टिव मतलब दे विल कैंसिल ईच अदर। तो देखो जरा ये S1 था और S2 था, ये पॉइंट P था, ये आती जैसी है 1 2 2 लैम्डा, ये आती 1 2 2.5 लैम्डा, ठीक है दोनों मीट कर दी तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा बेटा 2.5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो सर ये आएगा ओनली 0.5 लैम्डा मतलब लैम्डा बाय 2, और फेज डिफरेंस कितना आएगा 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट हियर, सो इट इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाय 2, so lambda lambda will go off, it become 2 2 will go off, you'll get only pi। so sir अगर फिर से add करते हैं तो क्या होता है, देखो ध्यान से, y is equal to y1 plus y2, so y is equal to y1 क्या लेते हैं a sin omega t, दूसरे में एक मिनट एक सेकंड, y is equal to a1 sin omega t, दूसरे वाले में फेज डिफरेंस पाई आ जा रहा है, तो प्लस a2 sin omega t प्लस पाई, sin 180 प्लस थीटा कितना होता है, sin 180 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस sin थीटा। अब देखो अब ये माइनस करने लगे, साइन ओमेगा टी, अब ये देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड माइनस आने लगा, तो यहां पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ए वन माइनस ए टू,
और इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दैट इज ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। और अगर ए वन ए टू को इक्वल ले लो तो इट विल कम जीरो, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव। तो हमको समझ में आ गया कंस्ट्रक्टिव के लिए जीरो लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा फोर लैम्डा ऐसे डिफरेंस होना चाहिए पाथ का, मतलब ट्रेवल करके दोनों मीट कर रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव के लिए 0.5 में आना चाहिए, मतलब 0.5 तो नेक्स्ट क्या आएगा 1.5, नेक्स्ट क्या आएगा 2.5, फिर नेक्स्ट आएगा 3.5, इस तरह से चलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या मिली हमको, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इनके पाथ में डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, पहला कितना आ रहा है लैम्डा बाय टू, ने मतलब एक मिनट एक मिनट, डिफरेंस क्या आ रहा है देखो ध्यान से, इसे पहला आपने बताया कि 0.5 लैम्डा, तो नेक्स्ट कितना आना चाहिए 1.5 लैम्डा, फिर नेक्स्ट आना चाहिए 2.5 लैम्डा, फिर नेक्स्ट आना चाहिए 3.5 लैम्डा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये आना चाहिए लैम्डा बाय टू, नेक्स्ट होना चाहिए 3 लैम्डा बाय 2, ये होना चाहिए 5 लैम्डा बाय 2, ये होना चाहिए 7 लैम्डा बाय 2, सर इस तरह से होना चाहिए। तो जनरलाइज करेंगे तो बेटा कैसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 1 2 3 4 लाइक दिस वे। और दूसरा वाला क्या आएगा, फेज डिफरेंस कितना आएगा, ये कितना आएगा पाई, तो नेक्स्ट कितना आएगा 3 पाई, नेक्स्ट आएगा 5 पाई, नेक्स्ट आएगा 7 पाई, इट्स लाइक दिस वे। तो ये बनेगा दैट इज 2n प्लस 1 पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 लाइक दिस वे। एक मिनट, डिस्ट्रक्टिव का एक, हाँ ठीक है डिस्ट्रक्टिव का 0 ही आएगा ना, पहले 0 आएगा तो पाई आएगा, 1 3 पाई आएगा। हाँ, तो आर यू गेटिंग द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पॉसिबल्स समझा कुछ? यस सर। नोट ऑन दिस वन, इसको कॉपी कर लीजिए, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तुम्हें ये कंडीशन याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना इनका यूज कैसे होगा मैं भी बता दूं। तुमको ये समझ में आ गया कि जब दो वेव अलग अलग सोर्स से आगे मीट करेंगी तो किस कंडीशन पे उनके एम्पलीट्यूड ऐड होंगे और किस कंडीशन पे उनके एम्पलीट्यूड सबट्रैक्ट होंगे, ये तुमको समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम इसको प्रोसीड करेंगे हम इसको, लेकिन इसको पहले कंप्लीट करके एग्जिट करिएगा।
तो स्क्रॉल डाउन, ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखने, मैं इसको उसको बॉक्स में कर देता हूं ताकि इंपॉर्टेंट, मतलब ये लर्न कर लेना जो मैंने ये बताया. दिस इज अ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. किस कंडीशन पे वो मैक्स पाई लगाना, बेटा पाई होगा यहाँ पर, पाई पाई लगाना, टू एन पाई होगा, जीरो टू बाय फोर बाय सिक्स बाय एट बाय पे मैक्सिमम जीरो वन टू थ्री. हाँ मतलब यू हैव टू लर्न इट. स्क्रॉल डाउन, ये डिस्ट्रक्टिव हो गया.